आप यहाँ आए तो फिर वो कौन था? हमको समझे नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? वो कुछ गड़बड़ है, हम तो अभी आपसे मिलकर आ रहे हैं। वो आपको आपको अभी महल की तलाशी करवानी होगी सिपाहियों से कह के। हम अभी आपके जैसे दिखने वाले शख्स को देखकर आए। माफी चाहते हैं बादशाह सलामत, शहजादी की शरारत के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। वो क्या है ना, ये मजाक कर रही थी। आप बिना शहजादी अति उत्तम, अति उत्तम। एक पल के लिए तो हमें भी लगा महल में वाकई में हमारे जैसा दिखने वाला कोई शख्स घूम रहा है जी। ये आपके लिबास को क्या हुआ है? क्या हुआ? अच्छा तो है नहीं बादशाह सलामत, वो शहजादी बहुत जल्द सुल्ताना बनने वाली है ना, तो बगदाद में आम लोगों के साथ आम इंसान बनकर मुश्किलों को जानना चाहती है, इसीलिए इस लिबास में है। हमें आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। आपको सुल्ताना बनाने का फैसला लेकर हमने बगदाद के लिए बिल्कुल सही सोचा है। तेरे उस सौदे का क्या हुआ? लेनदारों के पैसे तो देने ही हैं, घर का सामान लाने के लिए भी हाथ में कुछ है नहीं। अम्मी सौदा तो नहीं हुआ, इसलिए पैसे भी नहीं मिले। हर क्यों? अम्मी जिससे सौदा होने वाला था वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तेरा जमीर किसी आंधी, किसी तूफान, किसी लालच के सामने झुकना नहीं चाहिए। जो पैसा बुरे काम करके कमाया जाता है ना, कभी बरकत नहीं लाता। और फिर हमारा ताल्लुक तो इब्ने बतूता के खानदान से है। तूने अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दिया है। जो लोग अपना जमीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। अम्मी, अम्मी, जाने दीजिए ना। अब आपको घर के लिए सामान लाना था ना? मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, कल शाम तक सामान भी आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा लाल मुझसे कितना प्यार करता है, पर कर्जदारों के पैसे तो लौटाने होंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। तू खाना खाना जिनू बेटा, ये ले। कैसे भी चाचा के पास से पैसे निकालने होंगे, लेकिन दिक्कत है चाची, इतने दिन से दुकान नहीं गया, आसानी से पैसे निकालने नहीं देंगी। भाई मेरे भाई, इतना नायाब पर तुझे कहां से मिल गया? इसे मैं शिकारी के घर से लेकर आया हूँ जिसने 100 साल पहले सुरखाब का शिकार किया था। सुरखाब तो पहले खत्म हो गए थे लेकिन सुरखाब का ये आखिरी पर बच गया। अबू कहीं ऐसा ना हो कि सुरखाब का पर उस आदम के कटोरे जैसा हो। देख लीजिए वरना अम्मी आप पे यही पर लगाकर अंडा देने को कहेंगी। अबू जब भी मुंह खोलता है उल्टी बात करता है। तो कहिए चाचा, आप इस नया पर को अपने खजाने में लगाना चाहते हैं? ना 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 अलादीन, ना इस बार मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तू मुझे बेचता 1000 है और निकलता ना रहे। चाचा इस पर अनार नहीं गुलाब लाया। चाचा इसका असली राज तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये पर हसीनाओं को अपनी तरफ खींचता है। सोचिए चाचा, आपके चारों तरफ हसीनाएं होंगी।
अबू क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। चाचा अगली बार ख्वाब में सफेद लिबास पहनिएगा, सादा जचेगा। बहुत अच्छे। तुझे कैसे पता चला मैंने ख्वाब में क्या देखा? क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छा है अब्बू। क्या कहा आप? मेरा मतलब है चाचा कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इस पर को नहीं चाहेगा। अलादीन कीमत बता इस पर की। अरे चाचा आपके लिए बस 10 अशर्फियां। ठीक है तू कह रहा है तो 4 अशर्फियों में ये पर मेरा हुआ। ये कसम सोने की अशर्फियों की, इस फालतू पर के 4 अशर्फियां क्या इनकी शक्ल जैसी फूटी कौड़ी न दूं? बगदाद के बादशाह के पर काटने के लिए हमारे पास उस निशानेबाज से बेहतर कोई मोहरा नहीं है और उसे ही बादशाह को अगवा भी करना होगा। ऐसा ही होगा हुजूर, उस निशानेबाज का निशाना अब नहीं चूकेगा। आपके मंसूबे के मुताबिक तो अब तक वो निशानेबाज खुफिया सुरंग से होता हुआ महल तक पहुंच गया होगा। आपके हुक्म के मुताबिक महल में पहरे पर हमारे ही आदमी तैनात हैं। जो हमारे उस निशानेबाज को बादशाह के कमरे तक पहुंचाएंगे और बादशाह के कमरे के बाहर जो सिपाही तैनात हैं उनका क्या? उन्हें तो मैंने कल ही छुट्टी पर भेज दिया हुजूर। अब बादशाह के कमरे में भी हमारे ही सिपाही मौजूद हैं। तो इसका मतलब हमारे मोहरे को बादशाह के कमरे तक पहुंचने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक बार बादशाह हमारे कब्जे में आ जाए फिर हम इस हम शक्ल बादशाह को बगदाद के तख्त पे बिठा देंगे। बादशाह शानबाद। फालतू नहीं नहीं चाची, ये कोई ऐसा वैसा पर नहीं है। बेटा मैं भी कोई ऐसी वैसी चाची नहीं हूँ, नाजनीन हूँ नाजनीन। इस शतरमुर्ग के पर से किसी गधी को बेवकूफ बना सकता है, नाजनीन को नहीं। भाई मेरे भाई, मेरी अम्मी सिर्फ गधी लगती हैं, है नहीं, है ना अम्मी? अब तो ठीक है, आपको सौदा नहीं करना तो मैं किसी और से सौदा कर लूंगा। हाँ हाँ कर ले, 4 क्या 40 अशर्फियां मिलेंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप मेरे काम के पैसों में से काट लीजिएगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, पर पैसे तो तब मिलेंगे जब तू काम करेगा। 1 महीने से दुकान पर शक्ल नहीं दिखाई, पहले 1 महीने मुफ्त में दुकान पर काम कर, उसके
बाद नाज़नीन पैसे के बारे में सोचेगी। मुझे माफ कर दीजिए चाची, लेकिन मुझे भी अपना घर चलाना है। आप मुझे पैसे नहीं दे सकती? तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, हम भी तो देखें। कौन सा सौदागर एक चोर को नौकरी पे रखता है? और कोई मामूली चोर नहीं, काला चोर। जिसके सर पे 50,000 अशर्फियों का इनाम है। 50,000! तुझे रुखसती चाहिए? रुखसती देंगे, पर कोई ऐसी वैसी रुखसती नहीं, ऐसी रुखसती जिसे देखकर काले चोर की माँ को भी तो पता चले कि उसका बेटा कितना शातिर मुजरिम है। जो लोग गलत कामों से पैसा कमाते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहया खुदकर काले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसकी अम्मी कितनी शर्मसार होंगी अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। भाई मेरा भाई, काला चोर। इतनी हम सच कह रहे हैं, हमने अब्बा हुजूर की हमशक्ल को महल में देखा है। शहजादी अभी तक आप पूरी तरह से होश में नहीं आई हैं। आप ना ये शरबत पी लीजिए, खसका है, जल्दी पीजिए। वैसे भी आप बेकार में फिकर कर रही है, पर आप है ना, आप ना सो जाइए, वरना आप ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत खराब होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो बादशाह सलामत को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आपका ध्यान रखेंगे तो बगदाद का ध्यान कौन रखेगा? फिर बगदाद बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप चाहते कि बगदाद सही सलामत रहे तो आप सो जाइए। नहीं पिद्दी, हमें अभी अब्बा हुजूर को जाकर देखना होगा। शहजादी, बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। सूबेदार अकबर, शतरंज की असली चाल खेलने का वक्त आ चुका है। जुम्मन मियां को बादशाह के कमरे तक ले जाओ। दूर। आइए जनाब। अब्बा हुजूर अपने कमरे में ही होंगे। कसम सोने की अशर्फियों की, किसी ने सही कहा है, गधे को कपड़े ढोने तो आते हैं पर धो के सुखाने नहीं। ठीक से निचोड़ो, वरना निचोड़ के तुम्हें यहीं टांग दूंगी। चाची, क्या बात है,
तेवर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं नवाबजादे के। आज आया ऊंट भैंस के नीचे, मतलब पहाड़ के नीचे। चल जा काम पे लग जा, और खबरदार जो एक भी दिन की छुट्टी ली तो। चाची वो मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा। क्या कहा क्या कहा, जरा जोर से तो बोलना। मैं ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा। अच्छा अभी तेरी अकड़ निकालती हूं। अम्मी, क्या हुआ चाची, आप रुक क्यों गई, बुलाइए ना। अम्मी पहले आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे चोरी करवाई, अपनी जेब भरती नहीं, फिर मेरे डर का फायदा उठाकर आपने मुझे चोर से काला चोर बना दिया। लेकिन अब बस, अब आप चाहे मुझे अम्मी को बुलाने की धमकी दें या कोतवाल को बुलाने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत अच्छे, क्या कहा तूने? कसम सोने की अशर्फियों की, कौवे की चोंच मीनार जितनी बड़ी हो गई है। कोतवाल सलाखों के पीछे डालकर दो डंडे लगाएगा ना, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी अलादीन। हाँ तो बुलाइए, अब मैं भी बताऊंगा कि चोरी तो मैं करता था लेकिन चोरी का सामान आप दोनों बेचते थे। मुझे तो 100-100 कोड़े पड़ेंगे लेकिन आप लोग को भी 10-10 कोड़े तो लगेंगे। अब तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान लेंगे? अब नहीं माने तो क्या हुआ, इनाम की रकम एक दिन तो खर्च हो जाएगी लेकिन मैं तो आपको सारी उम्र दौलत जेवर अशर्फियां लाकर दे सकता हूँ। सोचिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक बार में काटनी है या सारी उम्र रखनी है? मैं काम करने के लिए शायद राजी हो जाऊं लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अलादीन नहीं जानता कि उसने किसका रास्ता काटा है। अब मैं वो बाजी चलूंगी कि अलादीन के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारे किए हर जुल्म की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। तुमने मेरी वफादारी की कदर नहीं की, मुझे बगदाद से बाहर निकाल दिया। मेरी रुखसार को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अबूजान, अब्बा हुजूर कहाँ हैं आप? अब्बा हुजूर, अबू, अबूजान, अबू, वो तो इस वक्त अपने कमरे में ही होते हैं, ना जाने कहां चले गए।
अबू, अबू, अबू तो अपनी किताब कभी खुली छोड़ के नहीं जाते। पीछे जो भी है बाहर आओ।